हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम काजू लिए हैं। सबसे पहले इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके उसको पीस रही हूँ, और मिक्सी को एकदम नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है, और ऐसा फाइन इसका पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैंने सबको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक बना देना है इसका पाउडर जैसा। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी से एक कटोरी पानी लिया है और एक छोटी कटोरी से चीनी। पानी को मैं बॉईल होने के लिए रख लूँगी, चाशनी बनाने के लिए इसके लिए, और इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे पकाना है, जब तक एक तार की ना बन जाए। यहाँ पे चाशनी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक तार की। अब इसमें मैं पूरे पीसे हुए काजू को डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है, इसको अच्छे से हिलाते रहना है इसको, ताकि ये नीचे ना लगे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें आप घी ऐड कर सकते हो, ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पे ये पक चुका है। अब मैं एक प्लेट में इसे घी लगा दूँगी और इसके ऊपर एक बैटर डाल दूँगी। इसको ठंडा होने के बाद मैं अच्छे से हाथ से मसल लूँगी। यहाँ पे मैं एक पॉलीथीन की हेल्प से इसे अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं, इसको मसल मसल के इसको गोला तैयार कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मसल दिया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आटे की तरह इसको गोला कर दिया है। अब मैं इसी पॉलीथीन के ऊपर इसे फैला दूँगी। यहाँ पे मैं हाथ से इसको फैला दूँगी। अब मैं दूसरी पॉलीथीन लूँगी, इसके ऊपर रख लूँगी, और बेलन के हेल्प से मैं इसको रोल कर लूँगी। इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि हमने इसकी बर्फ़ी बनानी है। अब मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा लूँगी, इस तरह से। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग इस तरह से आप देख सकते हो। ये बर्फ़ी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है, काजू कतली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।